मुस्तफा भाई, आपकी पार्टी का निशान है डॉल्फिन, क्या ये कराची को दिमाग में रख के आपने रखा था कि यार ऐसा निशान रखो जो डूब ना जाए? कराची बिल्कुल ऐसा पानी पानी हुआ हुआ एकदम। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। डॉल्फिन के पीछे क्या है? डॉल्फिन एक बहुत इंटेलिजेंट जानवर है। इलेक्शन कमीशन के पास ना कुछ सिंबल्स हैं, हाँ। आपको उन्हीं लिस्ट में से चूज करना पड़ता है। हाँ। अब हम बने, हमारी पार्टी बनी है 2016 में, सब उससे पहले बना चुके थे। 143 जो भी उसके सिंबल्स थे उसमें तकरीबन जो है वो सारे बढ़ चुके हैं, तो उसमें 25-30 का ऑप्शन था, उसमें बड़े आड़े टेढ़े थे ना। अभी तो आप डॉल्फिन पे इतनी बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ और ले लेता तो फिर पता नहीं आप क्या। तो हमने उन सारे जो मेरे पास ऑप्शन थे उनमें से फिर ये डॉल्फिन ही समझ में आई। अच्छा मैमल, मुझे पहले तो ये बताएं, मैमल से याद आया, मैमल का क्या मतलब है? तो मैमल का जो एक लिटरल मीनिंग है वो तो है ऊंट का कचावा, उनके ऊपर एक डोली होती है जिसके ऊपर प्रिंसेस वगैरह जो है वो उसके ऊपर सफर। आम लोग भी जा सकते हैं, हम सीव्यू पे कहते हैं ना कि वो प्रिंसेस के लिए होता है। चलें आप कह रही हैं, शायरी में इसको महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महबूब है या तो फिर वो ऊंट के ऊपर टोकरी जो लगी है वो है। हाँ, हाँ। तो आपके हस्बैंड आपको टोकरी समझते हैं या महबूब? ये तो महबूब ही समझते होंगे, मतलब टोकरी से कौन शादी करे। मैं हस्बैंड से पूछूं। हाँ, जरूर जरूर।